एमपी, वी स्टार्टेड विद पी वर्सेस एमपी। अच्छा पी प्रॉब्लम कौन से सॉल्व होते हैं? पॉलीनोमियल टाइम के पी प्रॉब्लम को सॉल्व होते हैं जिनको पॉलीनोमियल टाइम ने सॉल्व किया। और एनपी प्रॉब्लम कौन से सॉल्व होते हैं? जिनका ओरेकल हमें अभी तक नहीं पता, ऐसा कहना चाहिए कि एनपी प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिनका अभी तक हमें पॉलीनोमियल टाइम सॉल्यूशन नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि अगर हमें कोई सॉल्यूशन दे दे तो उसे हम पॉलीनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, we saw several examples of p problems. हमने actually एल्गो का जो पहला वाला जो भी जब तक कभी का पार्ट किया, सारे usual problems जो थे वो कौन से थे? तो सारे p time problems थे, polynomial time problems जिन्हें हम solve करते हैं, ठीक है? और इसकी बहुत सारी examples थी, Kruskal, Prim's, graph related बहुत सारे problems थे। फिर हमने एक बात की थी कि order में जो graph theory की beginning है वो कैसे होती है, और से हमने कनेक्ट किया था एक ऑयलर सर्किट प्रॉब्लम से। और ऑयलर सर्किट प्रॉब्लम क्या था कि चार नोड थे, हमने हमारा ऑयलर सर्किट प्रॉब्लम ये है कि आपको एक वर्टेक्स वर्टिसेस है बहुत सारे और एजेस हैं, और आपने हर एज पे एग्जैक्टली एक बार वर्टिस पे आप मल्टीपल टाइम जा सकते हैं, लेकिन एजेस पे आपने एग्जैक्टली एक बार। सरप्राइजिंगली ये प्रॉब्लम सॉल्व, इसकी जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, लेकिन देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम जो कि तुम्हें पॉलीनोमियल टाइम में आंसर देता है, ठीक है? सो द थिंग इज के यू हैव एक्सपोनेंशियल स्पेस, यानी आपके पास एक्सपोनेंशियल पॉसिबिलिटीज हो सकती है आंसर की, और उसमें से हमारा रिक्वेस्ट है वो ये है कि हमने एक आंसर निकालना है जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है? सो एल्गोरिथम ये है कि क्या हम ऐसा एल्गोरिथम बना सकते हैं जो कि उसको पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व करें, उसे एग्जॉस्टिवली सारी चीजें ट्राई ना करें, ये सबको पास होना, ठीक है? तो हमने एक्चुअली बहुत सारी हमने तो सर पहले पहले से ये प्रॉब्लम बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है, ठीक है? इसी का एक छोटा सा वेरिएंट, अच्छा बाय द वे ये फिर हमने पूरी पढ़ा था किस तरह से ग्राफ के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की और फिर उसने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया, एक्चुअली उसको बड़ा इजीली से सॉल्व कर लिया कि आपके आप एक्चुअली उससे जाके अगर हर एक की डिग्री इवन है और वो कनेक्टेड है तो हम आराम से ग्राफ कर सकते हैं। और उसका बड़ा मजेदार एल्गोरिथम है वो, अगर आप ग्राफ थ्योरी को भी पढ़ेंगे, वैसे ये कई दफ़ा आपको जरूरत पड़ सकती है, ऑयलरियन साइकिल आपको कई दफ़ा नज़र आएगा, प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन में भी कई दफ़ा आपको इस तरह की चीज़ मिल सकती है कि कुछ इस तरह की चीज़ ड्राइंग करनी है जिसमें आप ये चीज़ करना चाहते हैं, तो दी ओनली थिंग एक्चुअली देयर आस्किंग इज़ के बस वैलिडेट कर दो कि क्या हर एक की नेबरहुड जो है वो इवन साइज की होनी चाहिए, ठीक है? सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस एल्गोरिथम जो कि शायद आपको पढ़नी चाहिए, हमारे पास अभी टाइम नहीं है कि हम इसके ऊपर टाइम लगाएं। ऑयलरियन साइकिल, फिर हमने देखा था हमारे पास ग्राफ के बहुत सारे प्रॉब्लम देखे, हमने डीएफएस देखा है, प्रिम्स क्रिस्कल, और फिर हमने ये चार्ट देखा था, और ये चार्ट क्या था? हमने बताया था कि एक्चुअली कोई चीज कोई एल्गो अगर एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है तो मतलब क्या है, और हमने कहा था कि एक्चुअली आप अपनी मशीन को 100 times, 1000 times भी बढ़ा दें अगर आपका एल्गो एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है तो आप उसे 1000 times भी इंक्रीज कर देंगे, आप शायद सिर्फ 9-10 इंस्टेंस ही ज्यादा उसे कर सकते हैं, यानी आप किसी चीज को के टाइम बढ़ा रहे, लेकिन उसका असर क्या हो रहा है? उसका असर सिर्फ ये हो रहा है कि सिर्फ आप 1, 2, 4, 5, 10 वेरिएबल्स ही ज्यादा है वाला इंस्टेंस आप सॉल्व कर सकते हैं, सबको पास नहीं? तो द थिंग इज अगर आपका कोई एल्गो है जो एल्गो एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहा है तो इसका मतलब है भाईजान वो बड़े बड़े इंस्टेंस को सॉल्व नहीं कर सकते, और ये 2n लाजमी नहीं है, ये 3n हो जाए, 1.5n हो जाए, एनी क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 हो जाए, इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ओके? ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड। फिर हमने कहा कि क्या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते, एंड द आंसर इज यस, दे आर एक्चुअली नॉट, आई मीन सम प्रॉब्लम्स, दे आर एक्चुअली लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स जिनको हम अभी तक पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं कर सके, ओके?
बट अगर कुछ और ऐसे होते हैं जिनको लगता है एक्सपोनेंशियल है, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉब्लम लिखा हुआ परम्यूटेशन स्प्रेड, आप परम्यूटेशन प्रिंट करने का आपके तरीका ही नहीं है, आपको n फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनानी ही बनानी है, आप जो मर्जी कर लें तो उसको टाइम ही n फैक्टोरियल लग जाएगा, ये बस है, वो है ही एक्सपोनेंशियल। लेकिन देयर आर सम प्रॉब्लम्स जिनको जिनको हम क्या करना चाहते हैं, जिनको हम पॉलीनोमियल टाइम में क्या सॉल्व, क्या सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जो कि हम पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, एंड द आंसर इज देयर आर प्रॉब्लम्स जिनको अभी तक हम नहीं जान सके कि वो पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकते हैं नहीं। ये हमने लीनियर टाइम में की थी, हमने जो थ्रू हमने उसको लीनियर टाइम में करा, ठीक है जी। अच्छा ये जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स है, एनपी प्रॉब्लम्स है, एनपी प्रॉब्लम्स है, इनके बारे में बड़ी मजेदार बात यह है कि देयर आर दिस क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स जिनको हम क्या कहते हैं कि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको जिनका सॉल्यूशन तो हमें पता या नहीं पता या हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये बात कन्फर्म है कि अगर हमें कोई सॉल्यूशन दे दे तो उसे वेरीफाई बड़ा आराम से कर सकते हैं। सबको बात सुना, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी एग्जाम्पल भी की थी, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो पी एन पी क्लास में आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज दिस ए पी प्रॉब्लम, इज दिस एन पी प्रॉब्लम, वाई इट्स एन एन पी प्रॉब्लम, पॉलीनोमियल क्योंकि वो तो वैसे ही पॉलीनोमियल में सॉल्व हो जाता है, चेकिंग तो बड़ी दूर की बात है, पता है कि ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे एन क्यूब तो वो सॉल्व हो जाएगा, वो n सेट है, ये n वेरिएबल्स के ऊपर आपके क्लॉजेस हो सकते हैं, ठीक है, और हम उसकी छोटी सी डेरिवेशन देखेंगे कि अगर n सेट को 3 सेट में कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और भी बड़े से मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि नैपसैक प्रॉब्लम के भी बड़े बड़े काफी डेरिवेशन है, नैपसैक को हमने बनाया को लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम दिखाई थी कि नैपसैक का एक वर्जन है जो कि फॉर एग्जांपल पॉलीनोमियल टाइम में नहीं हो सकता, ठीक है, नैपसैक को फिर कोई और एग्जांपल देते हैं, फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम क्या हुआ, क्या है कि एक नंबर है फैक्टर्स दिखा, इज दिस एन एनपी प्रॉब्लम, इज इट एन एनपी प्रॉब्लम, फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम, एक नंबर दिया बेटा से प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है n आप पास कर रहे हैं तो ये पता है क्या आउटपुट दे, यानी ये एक आप एल्गो बना लें जिसको हम n इनपुट दें तो पता है क्या आपको करना है, एक लिस्ट आउटपुट कर दें, लिस्ट ऑफ नंबर्स n1 n2 n3 nk, ठीक है, ये आउटपुट की क्या हो, एक लिस्ट हो, और ये लिस्ट में ये जो नंबर था ये नंबर एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक्चुअली इस नंबर n के फैक्टर है, ये बात समझ जी, अगर मैं आपको ये आउटपुट दे दूं तो क्या आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इसी नंबर के फैक्टर्स हैं, यस कैसे कर सकते हैं सर, उसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देयर आंसर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो फैक्टर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए नहीं करना नहीं चाहिए, ये बात नहीं, मेरे ख्याल में एक और वही अगर फैक्टर्स की बात कर रहा है तो सब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और आंसर वो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर है ना यू एंड दैट यू कैन इजीली डू because n number k numbers को multiply करेंगे तो एक number दो numbers की जो multiplication होती है वो constant time में होती है, या अगर हम कहते हैं वो log n bits का तो log n time log n में होगा, तो वो I mean अगर k numbers हैं तो k time log n में, अगर log n square में अगर बोलना चाहते हैं which means it is polynomial, ठीक है, so of course this factorization problem is an NP problem because we can verify it in what time, in polynomial, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास सवाल पूछता हूँ, लॉन्गेस्ट पाथ प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्या, सॉरी या शॉर्टेस्ट पाथ, इज शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम एन इज एन एनपी, व्हाई आपको प्रूफ करना है उसका पॉलीनोमियल टाइम, तो इसीलिए तो एनपी प्रॉब्लम क्या है कि भाई आप उसका, क्योंकि हमें पता है शॉर्टेस्ट पाथ जो एल्गोरिथम है वो तो एक्चुअली
हमने डायजेस्टरा पढ़ा था, बेलमैन पढ़ा था, हाँ, वी प्लस ई में वैसे ही सॉल्व। डज इट मेक सेंस? ठीक है जी। लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ प्रॉब्लम सरप्राइजिंगली अब हमें उसका पॉलीनोमियल टाइम एल्गो नहीं दिखता। ठीक है, अच्छा देखिए वो एनपी में है, एनपी में नहीं, एनपी में है जिसमें वो अपने बताया था ट्रेडिंग ऑर्डरिंग ट्रेडिंग वो और वो टर्निंग सेलर प्रॉब्लम है, वो इसका एक वेरिएशन है। और ट्रेडिंग सेलर प्रॉब्लम की भी बहुत सारी हिस्सा है, एक्चुअली की बहुत सारी वेरिएशन है, ट्रेडिंग सेलर प्रॉब्लम की भी बहुत सारी वेरिएशन है। मैं एक वेरिएशन बताता हूं जो कि एनपी एनपी का एनपी है, एक्चुअली एनपी कंप्लीट है, एक और वेरिएशन है जो कि फिर एनपी को मतलब वो उससे रूट होता है। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट पाथ प्रॉब्लम है, लॉन्गेस्ट पाथ प्रॉब्लम कहता है कि तुम भी कोई भी दो वर्टिसेस दो, तुम आपने बताना ये दोनों वर्टिसेस के दरमियान में लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा, शॉर्टेस्ट पाथ तो हमें निकाल देना, लॉन्गेस्ट पाथ निकालना, क्या क्या पॉलीनोमियल टाइम में निकाल सकते हैं। बाय द वे ये लॉन्गेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ ये हमने डीपी में तो कर लिए थे। यस सर, तो ये यहां पे क्या मसला है सर? वेरीफाई ग्राफ के लिए निकाल नहीं सकता सर। प्रूफ करने के लिए आपको हर ट्राई करना पड़ेगा, हर पॉसिबिलिटी ट्राई करनी पड़ेगी, एक्सपोनेंशियल एक्चुअली। तो मैं सवाल है सर, डैग में लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट एजेस जा रही है, डैग में हमेशा लेफ्ट टू राइट एजेस जा रही होती है, उनको आप टोपोलॉजिकल ऑर्डर में ले सकते हैं। यस, मसला ये है कि आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ में यू हैव टू ट्राई एवरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, यानी आपके पास फॉर एग्जांपल बेटे ये ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूं कि मैंने और मैं आपको कहूं कि फॉर एग्जांपल कि आपको ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है जो कि सारे वर्टिसेस से होके गुजरे, ओके, हां, और हर वर्टेक्स को एटलीस्ट एग्जैक्टली एक दफा इसको विजिट करना चाहिए। जी बताएं कर सकता है? नहीं, कैसे नहीं कर सकता? यहाँ जूम कर रहा हूँ। जी बताएं। तो यार यहाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं? अभी भी। आप लिखा लिया, लेकिन आपको ये जो ग्राफ दिया 100 में, ठीक है, दी ओनली नोन एल्गोरिथम इज ट्राई एवरी, डीएफएस डीएफएस जितने भी आपने आपने तरीके से करते कोई भी नहीं चलता। आपको ब्रूट फोर्स में ये लिखे, आपको एक्चुअली आपको याद है हमने ये लिखे, आप जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ट्राई किया ना, वरना आमतौर पर डीएफएस डीएफएस में ट्राई करते हैं तो यहां से यहां रहता है इसको मार्क कर, है ना, फिर यहां से यहां गए तो यहां पर क्या किया इसको मार्क कर, यहां से यहां वो डीएफएस में विजिट करते ना वो डक्ट में जाता है, यहां से यहां गया इसको विजिट कर दिया, यहां से यहां पर पहुंच गए। ठीक है, अब लेकिन जो डीएफएस और बीएफएस में एक फर्क है, तो डीएफएस में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बड़ी क्या मार्क करते हुए जा रहे होते हैं, फिर ये जहां से हम आगे नहीं जा पाते वहां से करते हैं, वहां से पीछे आते हैं, वहां से पीछे आते हैं, एक बार यहां पर यहां से एक बार यहां पर यहां से यहां यहां चला गया, ठीक है, और फिर यहां से यहां चला गया, फिर यहां से यहां चला गया, अब वो कहीं नहीं जा सकता, तो नेक्स्ट सेंस, लेकिन सारे क्या विजिट हो गए? नहीं, अब वो क्या करेगा? अब अनमार्क करेगा जहां से गया, अब वो अनमार्क करता हुआ आएगा, यानी डीएफएस में पहले हमने मार्क हो रहा था मार्क किया था, लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ पे आपने आपने एक डेप्थ ट्राई कर ली है, यू हैव टू कम बैक एंड ट्राई एवरी पॉसिबिलिटी अगेन, क्यों? क्योंकि आपने ये पाथ लिया तो इससे ये वाला पोर्शन विजिट हो गया, अब कहीं नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, लेकिन इज दिस द लॉन्गेस्ट पाथ? इट इज नॉट द लॉन्गेस्ट पाथ, यू हैव टू कम बैक एंड यू हैव टू अनमार्क इट, एग्जैक्टली सेम एल्गोरिथम जो आपने पहले बनाया था, वो जो डीएफएस के लिए बनाया था, लेकिन वो वापस आता है अनमार्क करता हुआ नहीं आता,
लेकिन उसमें सिर्फ एक छोटी सी चेंज करें कि आप उसको दोबारा से अनमार्क करें। जब अनमार्क करते रहेंगे तो वो दोबारा से आएगा, दोबारा से लूप, वो एंड में आके जब उसने एक लूप की एक एक्शन चल चुकी है वापस आके वो दूसरी एक्शन स्टार्ट करें। ठीक है, सो द थिंग इज दिस एल्गोरिथम जो भी हमने ट्राई किया, दिस एल्गोरिथम इज सरप्राइजिंगली विल टेक एक्सपोनेंशियल टाइम एंड दैट्स द ओनली नोन एल्गोरिथम सो फार। ओके, बाय द वे ये तो एक्सपोनेंशियल टाइम है, कोई इतनी मशीन वाली बात नहीं, असल में है वो क्या रहता है, हर वर्टेक्स कितने वर्टेक्स से मैक्सिमम कनेक्ट हो सकता है, n से तो एक फॉर लूप n का लगा, अगले वाला फिर दोबारा n से हो सकता है, n स्क्वायर हो गया, फिर अगला वाला दोबारा n से हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली तो दिस मींस n टू द पावर n होता है, ये बात समझ पा, तो दिस एल्गोरिथम विल टेक अप्रोक्सीमेटली एक्सपोनेंशियल टाइम। ठीक है, मसला ये है कि अगर मैं आपको कोई अगर कोई बंदा आया कहता है भाई मैंने नॉर्मल पाथ निकाल लिया, ठीक है, क्या आप वेरीफाई कर सकते हैं? नॉर्मल पाथ का मतलब होता है कहा जाता है कि मैंने कि ये दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ, दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ वी नो। ओके, और अगर लेट्स से मैं इसी का एक वेरिएशन बनाता हूं कि लॉन्गेस्ट पाथ का मेरा यहां मतलब ये है कि लॉन्गेस्ट, अच्छा एक है लॉन्गेस्ट पाथ प्रॉब्लम और एक और प्रॉब्लम है जो ये कहता है कि भाई मैंने कि मैंने ऐसा पाथ निकाला जिसे कहते हैं रुद्राता पाथ। जो मैं आपको उस प्रिंसेस प्रिंस की कहानी बताता हूँ, रुद्राता पाथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं कहता हूँ मैं ऐसा पाथ निकालता हूँ जिसमें हर वर्टेक्स को मैंने क्या करना है, एक बार टच करना। तो रुद्राता पाथ प्रॉब्लम क्या है, वो ये कि मैंने एक ऐसा पाथ निकाला जो सबको, ठीक है, ये रुद्राता पाथ प्रॉब्लम और लॉन्गेस्ट, ये दोनों के दोनों कैन यू गेस कौन सा वाला ज्यादा हार्ड एक वाला रुद्राता रुद्राता ज्यादा हार्ड होगा रुद्राता को वेरीफाई का बड़ा आसान तरीका है, बोले क्या रुद्राता ने जो भी तुमने आंसर दिया है आप देख रहे सारे सारे विजिट हुए वो आप पॉलीनोमियल टाइम में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपने क्या करना है, जो भी पाथ मिला है उसमें देखिए हर वर्टेक्स आया या नहीं आया और वो जो पाथ मिला है वो बाकी पाथ ग्राफ में है या नहीं है, ये वेरीफाई करना बड़ा आसान है। लेकिन भाजन लॉन्गेस्ट पाथ इतना आसान प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्गेस्ट पाथ इज ए हार्ड प्रॉब्लम एक्चुअली, बस में ठीक है। व्हाई हार्ड? बिकॉज अगर कोई कह देता है लॉन्गेस्ट पाथ 8 लेंथ का है या अगर कह देता है कि भाई वो n माइनस 5 लेंथ का है, सारे पाथ दोबारा वेरीफाई कैसे करोगे सर? दोबारा यही प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन की भी दो वेरिएशन है, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन की वेरिएशन ये है कि वो आपको कह दे कि मेरे पास, मैं ट्रैवलिंग सेल्समैन आता है और कहता है भाई मुझे सॉल्यूशन दे दो, मैंने हर वर्टेक्स को एक दफा विजिट करना है और इतनी क्वांटिटी में करना है, इतना करना है इतनी क्वांटिटी में करना है, यानी कि मुझे 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 लॉन्गेस्ट पाथ चाहिए हर वर्टेक्स से एक दफा विजिट हो, लेकिन वो इस क्वांटिटी के अंदर अंदर होना चाहिए। अब ये वेरीफाई करना आसान है, क्यों सारे आपको क्वांटिटी दी गई है, नेटवर्क की या की देखी पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है, सो एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने उन सारे एजेस को देखना है क्या एजेस एग्जिस्ट करती हैं और फिर क्या करना है कि उन सबको सम करना है एजेस को, देखना कि क्या वो हमें गिवन वेट के अंडर आ रही है, ठीक है। तो द थिंग इज कि अगर आपको जो एनपी की फीलिंग है वो कुछ इस तरह की है कि अगर मैं आपको एल्गोरिथम दे दूं, जिनके बारे में एलपी क्लास में वो प्रॉब्लम आते हैं जो क्या 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 है कैसे रिप्रेजेंट होते हैं कि भाई उनमें सारे के सारे प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन दे दिया जाए तो वो क्या होगा तो वो वेरीफाई जल्दी है वेरीफाई पॉलीनोमियल टाइम। All right. अच्छा, फिर हमने एक बात की थी कि हमारे पास एक सैट प्रॉब्लम है जो हमने प्रूव नहीं किया था बिकॉज आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट कोर्स आपने थ्योरी कंप्यूटेशन पढ़ा थ्योरी कंप्यूटेशन में ये पोटेंशियल वहाँ पढ़ाना चाहिए ठीक है पूरा करता कि why NP class के सारे problems
इस प्रॉब्लम पर रिड्यूस ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो के कुक लेवेन ने ओके अच्छा प्रॉब्लम क्या है टॉपिक प्रॉब्लम क्या है ये थीसा प्रॉब्लम जी आपने एक एल्गो बनाना है जो कि क्या कर ले जो कि एक सेटिस्फाइंग असाइनमेंट अथवा एन वेरिएबल्स दिए हुए इन एन वेरिएबल्स में से एक्स वाई जी के ऊपर हम क्या क्या वैल्यू पा सकते हैं कि हमारे ये हमें जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ठीक है पुलिन एक्सप्रेशन क्या हो जाए And the only known algorithm so far is कि हम क्या करें? All the possibilities. हम brute force, all possibilities try करें. ठीक है? Three SAT problem जो कि three जो CLF में है, इसकी बड़ी important बात ये है कि three CLF का मतलब है कि आपके clauses की maximum length कितनी हो सकती है? Three. Okay? And can you और और surprisingly मैंने एक और बात बताई थी आपको. कि जो टू सी एन एफ प्रॉब्लम वो पॉलीनोमियल हमें सॉल्व करता है जस्ट वन चेंज वन वेरिएबल एडिशन एंड दैट बिकम्स एन ए वेरी वेरी हार्ड प्रॉब्लम फौरन ही वो सॉल्यूशन यानी टू सी एन एफ में आपको एल्गो दिया हो मैं आपको सैटरडे यूज़ करूंगा कि टू सी एन एफ के आप भी इसकी उसका लेआउट बनाना किस तरह टू सी एन एफ को आप ग्राफ प्रॉब्लम में रिड्यूस कर देते हैं और किस तरह एक पाथ फाइंडिंग प्रॉब्लम जो है वो आपको एल्गो देता है सेटिस्फाइंग असाइनमेंट ठीक है अच्छा नहीं अगर मैं इधर से जेड रिमूव कर दूं नहीं ये नहीं कह रहा वो कह रहा है मेरे पास एक्सप्रेशन जो है उसमें वेरिएबल्स हैं टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे एन ही है लेकिन मैं कह रहा हूं हर क्लॉज जो है वो दो दो लेंथ का है यदि वो बोलता है और भी ऐड कर दूं लेकिन क्लॉज जो है वो उसमें से दो दो वेरिएबल बस दो से ज्यादा नहीं ठीक है ऑलराइट जी, so far so good? Yes sir. Okay? All right. चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, satisfying जो three SAT problem क्या कहता है? कि three SAT problem क्या कहता है कि हमारे पास एक expression है, इस expression में से हमने क्या कहते हैं variables की satisfying assignment हमने निकाला, ठीक है? एक certificate देना है। और certificate बाद में ये verify करना बड़ा आसान है, कैसे? आप वैल्यूज डायरेक्टली पुट करेंगे मैं आपको कोई भी वैल्यू दे दूं आप आराम से वेरीफाई करता फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूं जी मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है और मेरी जी ये मेरा आंसर आता है x 0 y 1 और z भी 0 हां जी वेरीफाई करें नहीं हां ये वेरीफाई नहीं होता कैसे वेरीफाई नहीं होता क्योंकि आपने x की वैल्यू 0 रखी y की वैल्यू 1 रखी ये सेटिस्फाई हो गया लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं होता एंड दैट्स व्हाई इट फेल्ड All you have to do is कि ये तुम्हारे पास एक टेबल में पड़ा हुआ है आप यहाँ से बस एक हर देखते हैं हर क्लॉज में से एक ना एक वैल्यू क्या होनी चाहिए टू होनी चाहिए आप आराम से n में और n स्क्वायर में आप आराम से ये फिगर आउट कर सकते Does it make sense? ठीक है All right. So this is three SAT problem. Okay? अच्छा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस three SAT problem कि this three SAT problem is a very important problem. Why? के ये जो थ्री सेट प्रॉब्लम है ये ना ये लगता बड़ा बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है ठीक है दैट वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम इट एक्चुअली होल्ड्स द एंटायर नोशन ऑफ एनपी क्लास द एंटायर नोशन ओके ये बंद कर नीचे यानी कि ये आपकी के बी प्रॉब्लम्स हैं ठीक है ये आपके बी प्रॉब्लम्स हैं और ये आपके पूरे क्या है एन प्रॉब्लम्स ठीक है द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज के ना एक और सेट है जिसे हम कहते हैं एनपी कंप्लीट एनपी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स कौन से प्रॉब्लम है ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स इस एनपी क्लास के ही प्रॉब्लम है ठीक है बहुत सुनने की बात ये जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है इनमें ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम है
कि ये इस पूरी क्लास के प्रॉब्लम्स के रिप्रेजेंटेटिव है, समझ रहे हो? रिप्रेजेंटेटिव इस सेंस में, और ये बहुत बड़ा क्लेम है, इतना बड़ा क्लेम है कि आई मीन इट्स परहैप्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट विल टेक परहैप्स फ्यू इयर्स फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड कितनी बड़ी बात है, बट लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, अप्रिशिएट दिस केस परहैप्स, कि इनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक भी प्रॉब्लम सॉल्व, तो इस क्लास में हजारों प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम, वो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उनमें ये भी है, उनमें भी शामिल है, ठीक है, ये इनमें से कोई एक प्रॉब्लम भी पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व हो गया, पॉलीनोमियल टाइम सॉल्व, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे एनपी क्लास के प्रॉब्लम सारे के सारे इसमें सॉल्व रहेंगे. So this set is a very very special set, and that's why there is a name for this, and it's called NP complete. Why NP complete? I think this was really good because it holds a complete notion within of this NP class. Okay, all right. हम sadly इसका proof तो नहीं करेंगे NP complete. एनपी कंप्लीटनेस कैसे उसने प्रूफ की थी, बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा आई मीन उसमें एक दो दो क्लासें लगती हैं कि वो प्रूफ करता है कि कैसे कैसे उसने प्रूफ किया, एक्चुअली वो सारे एल्गोरिदम्स को कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म करता है कि हर आप कहते वो कहता है चाहे आपने जितने भी एल्गोरिदम बनाए वो एल्गोरिदम कुछ स्टेप्स लेंगे ना, एक्चुअली वो करता क्या है ना कि वो कहता है कि वो रैम आपके अंदर है ना, उस रैम में कुछ चेंजेस करेंगे, वो जो चेंजेस है वो चेंजेस आपकी डिफाइन करता है काइंड ऑफ वेरिएबल पे ट्रांसफॉर्म करता है कि वो चेंज या एक्स को चेंज जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें से आपने एक्स को चेंज किया होगा वाई को चेंज किया होगा जी को चेंज किया होगा वो चेंजेस को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक बूलियन एक्सप्रेशन और वो कहता है आपने जो भी एल्गोरिथम बनाया होगा जो कि इस तरह चल रहा होगा वो तभी आंसर दे सकता है अगर इसकी सेटिस्फाइंग असाइनमेंट कर सकते कि बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है दैट इज समथिंग वर्थ टू वॉच फॉर वंस ठीक है चलिए जी ये एनपी कंप्लीट एक प्रॉब्लम अगर मिल जाए ना तो हमारी दुनिया बहुत आसान हो जाएगी क्यों क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमें एक प्रॉब्लम मिल गया एनपी कंप्लीट तो उस एक प्रॉब्लम को मिलने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल जी मैं एक प्रॉब्लम मिल जाता है सॉल्यूशन मिल गया वो सॉल्यूशन तो बात खत्म हो गई मैं कह रहा हूँ एक और ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ हमें अगर एक प्रॉब्लम के एनपी कंप्लीट वाला मिल गया ना तो अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि अब अगर कोई नया प्रॉब्लम आता है और नया प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल तारिक लेके आता है तारिक कहता है भाई ये मैंने ढूंढा ना प्रॉब्लम ये भी एनपी कंप्लीट है अब एनपी कंप्लीट एक इसको प्रूव करने के एक तरीका यह है कि हम पता क्या करें हम ये करें कि उस प्रॉब्लम जो नया प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए वही वाला प्रूफ हमें निकालना पड़ेगा जिस तरह उसने सैट वाले प्रॉब्लम के लिए कुकले बैन सबको पास नहीं जो बहुत बड़ा प्रूफ है आपको आप शायद वो नहीं कर पाएंगे ठीक है लेकिन एक उसका बहुत ही सिंपल और एलिगेंट आंसर एक और है वो पता क्या है वो ये है कि हम एक्चुअली क्या करेंगे हम प्रूफ ये कर देंगे कि ये जो एल प्रॉब्लम है जो आपने यहाँ से निकाला जो आपने प्रूफ कर दिया था कि वो एनपी कंप्लीट है मैं पता क्या करूँगा हम ये करेंगे प्रूफ कि ये जो तारीख ने हमें नया प्रॉब्लम दिया मैं इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम से रिड्यूस कर दिया और रिड्यूस पता कैसे करूँगा रिड्यूस करने की एक बड़ी पर्टिकुलर डेफिनेशन है मैं आपको बताता हूँ आपको क्या है वो ये है कि वो ये कहेगा भजन कि अगर आप अगर तारिक के प्रॉब्लम का सलूशन आप मुझे दे देते तो मैं इस एल वाला जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन आपको निकाल देता हूं सबको बात समझ में वो कह रहा है मुझे नहीं पता ठीक है सलूशन